तापमान बढ़ने से मिट्टी के मटकों की बिक्री में तेजी। तापमान बढ़ने के साथ घरों में पंखे व फ्रिज लॉक ऑन हो गए हैं, लेकिन इधर देसी ठंडक पर लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। भले ही घरों में रखे फ्रिज लॉक ऑन हो गए हैं, लेकिन शहर के अधिकतर लोगों को देसी ठंडक के रूप में माटी से गड़ी मटकियों का पानी ही रास आ रहा है। जनपद में मटकों की बिक्री में इजाफा देखने को मिला है। प्रदेश में भले ही लॉकडाउन चल रहा हो, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ घरों में फ्रिज लॉक ऑन हो गए हैं। जैसे जैसे तापमान मौसम पैंतरा बदलता जा रहा है और तापमान में वृद्धि हो रही है, लोगों को मटकी और फ्रिज का पानी रास आने लगा है। लेकिन इधर देसी ठंडक देने वाले मटकियों पर लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। हालांकि कोरोना के प्रकोप से चलते अभी भी बहुत से लोगों ने फ्रिज के ठंडे पानी से दूरी बनाई हुई है। वो सभी लोगों देसी मटकी की ओर अग्रसित हैं और घरों में मिट्टी के मटके ले जा रहे हैं। मटकी विक्रेता भी आय की आस में लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लोग बताते हैं कि भले ही घर में फ्रिज हो, पर मिट्टी के देसी फ्रिज व मटके व सुराही का पानी पीने से जो आनंद आता है, वह फ्रिज के ठंडे पानी में भी नहीं आता। सर्दी जुकाम व मौसमी बीमारियों के अलावा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोग अब फ्रिज का ठंडा पानी पीने से कतरा रहे हैं। कई लोग आधुनिकता की दौड़ में मटकी को भूल गए थे, लेकिन इस वायरस ने लोगों की देशी परंपरागत से जीना सिखा दिया है। इसे कोरोना का डर कहें या कुछ और ही, लेकिन लोग इस बार पूरी एहतियात बरत रहे हैं। ऐसे में लोगों के बीच माटी की सौंधी खुशबू यानी मटकियों की डिमांड देखी जा रही है। मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट। वाला 200 का है, 150 का पड़ेगा, ये 120 का पड़ेगा जी। मीना, मीना जी, क्या कारोबार करते हैं? मट्टी का कारोबार है। किस हिसाब से मट्टी, किस हिसाब से ये मट्टी का कारोबार? घड़े बिक रहे हैं, बस ये गर्मी को सीजन में बिकते हैं, और जो बीमार लोग हैं बस बोले जाते हैं, डॉक्टर लोग बता देते हैं, तो इसलिए थोड़े बहुत घड़े बिक रहे हैं। और कुछ नहीं है, बस यही रोजगार है हमारा, और कुछ नहीं भैया रोजगार। हाँ, कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत लोगों की तबीयत खराब रहती है, इसलिए डॉक्टर लोग बता देते हैं, इसलिए घड़े खरीद रहे हैं। कुछ कोरोना वायरस की वजह से भी इसका घड़े का पानी पीना पसंद करते हैं लोग ज़्यादातर। इसका पानी पीने से नहीं तबीयत खराब होगी, ना कोई सही रहता है इंसान। उज्जवल सिंह, क्या क्या व्यापार करते हैं? हम पुराना काम है था मिट्टी का हमारा। तो किस हिसाब से मतलब यहाँ पर मटके बिक रहा है, और किस हिसाब से कोरोना वायरस चल रहा है ना, फ्रिज का पानी पीना रहा, तो सब घड़ा बिक रहा है हमारा। इस टाइम वो चाह रहे हैं, आदमी चाहता है ना, इस घड़े से पानी से हम सुविधा मिलेगी हमें, समझे? फ्रिज का पानी पसंद नहीं करता, गला गला पकड़ता है वो। डॉक्टर लोग भी मना करते हैं खड़े का पानी पीए, सादा पानी होता बिल्कुल नॉर्मल। क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये जाना है साहब, खड़े बिके हमारे, हमें मटके का पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि फ्रिज से थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और जिससे हमारी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी को थोड़ा मेंटेन रखना है हमें, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमें थोड़ा नॉर्मल पानी पीना चाहिए। तो ये क्योंकि जो ठंडा पानी पीते हैं ना, उससे हमारे गले में भी थोड़ा इन्फेक्शन होता है, और इम्यूनिटी भी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी ही सेवन करना चाहेंगे। क्या सब नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। जी अनिल जी, क्या ले खरीदने गए? मैं आया तो यहाँ पर ये चश्मा देखने के लिए था, लेकिन ये क्योंकि इस समय जो एटमॉस्फेयर चल रहा है कोरोना का, तो हम लोग फ्रिज का पानी या उसका आइस का पानी पीना पसंद नहीं कर रहे, तो इसलिए सोचा कि ये ले लें। ये हर तरह से यूज़फुल है, मटके का पानी, और ये बॉडी को जो है बेनिफिट है इस समय कोरोना के एटमॉस्फेयर में। तो ये मैंने दुकान खुली हुई देखी तो ये ले लिया, और मैं इन दुकान वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ऐसे में दुकान खोल रखी है, और ये इनका घर भी है, तो ये इनका भी मैं आभारी हूँ, और मीडिया का भी आभारी हूँ कि आप ये लोग सबको ये बात दिखा रहे हो कि हमें क्या नए पुराने अपने साधन इस्तेमाल करने चाहिए। क्या मानते हैं फ्रिज का पानी इंसान क्यों ना पीता है? फ्रिज का पानी पीने से और प्यास बढ़ती है, इस पानी को पीने से प्यास घटती है, प्यास बुझती है, और ये बॉडी के लिए फायदेमंद है।